नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उज्जैन कलेक्ट्रेट बैठक में 44 प्लस वालों को वैक्सीनेशन के लिए गया निर्णय। उज्जैन 45 प्लस के लोगों को कोरोना टीकाकरण में कम रुचि को देखते हुए कलेक्टर ने 44 प्लस के सभी लोगों को शत प्रतिशत वैक्सीनेशन का अभियान चलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आया है, इसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए निष्ठापूर्वक कार्य की भागीदारी है। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस की जिस तरह तीसरी लहर की बात की जा रही है, उसको रोकने के लिए एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन करना है। वर्तमान में 44 प्लस व्यक्तियों के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन उपलब्ध है और यह सभी लोग वैक्सीनेशन लगवाने जा रहे हैं। ऐसे लोगों को लक्षित कर जिले में 44 प्लस व्यक्तियों का शत प्रतिशत टीकाकरण किए जाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। शत प्रतिशत सभी को टीका लग जाए, इस संबंध में हम लोग व्यापक तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक केवल 45 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जबकि 45 साल से ऊपर वालों के लिए कोई भी वैक्सीन की कमी नहीं है, कोई भी सेशंस की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी केवल 45% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने इनमें से अपना टीका लगवाया है। इसके लिए हम लोग पुनः जो घर घर सर्वे वाला काम हमारा था कोरोना के लिए, उसी टीम का प्रयोग हम लोग करते हुए हर एक घर पे जाके डेटाबेस तैयार करेंगे कि कहां पर कितने लोग पात्र थे, उनमें से कितनों ने टीका लगवा लिया, कितनों ने टीका नहीं लगवाया। जितनी भी दुकानें हैं उन पर सभी का टीका लगाना अनिवार्य होगा। अभी हम लोग 15 दिनों का समय दे रहे हैं, जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनके सभी लोग टीका लगवा लें, भले ही वो 18 साल से ऊपर क्यों हो, तब भी हम लोग उनका टीका अलग से सेशन बना के लगवा देंगे। और 15 दिन बाद हम लोग ऐसी व्यवस्था चालू करेंगे कि जिन दुकानों के लोग सभी लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उनके बाहर हम लोग लाल स्टिकर लगाएंगे, और जिन दुकानों के अंदर सभी लोग वैक्सीनेटेड होंगे उनके बाहर हम लोग जो है ग्रीन स्टिकर लगाएंगे। सभी पंचायतों में भी हम लोग इस पर बहुत ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वीएमआर भारत टीवी।